नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ स्वर्णाली माइंड बटर से और मैं फिर से ला चुकी हूँ एक नया व्लॉग। तो आप लोगों ने अगर मिस कर गए हो मेरे पहला व्लॉग तो आप लोग ज़रूर देखिए, आई बटन पे मैं इसका लिंक दे चुकी हूँ। तो हम लोग कैसे आए थे बेंगलोर से केरला वायनाड, तो उसका व्लॉग ही मैंने दिया था पहले। तो आज हम लोग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं माउंट जनाडू हम लोग का रिसॉर्ट का रिसेप्शन एरिया से। तो अभी हम लोग जस्ट चेकिंग करेंगे रूम में, आप लोग के साथ शेयर करेंगे कैसा है रूम। और ये रहा रिसेप्शन एरिया, देखिए बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड किया गया है ब्यूटीफुली इन केरलियन स्टाइल। और आने के बाद ही इमिडिएटली हम लोग को ये वेलकम ड्रिंक मिला और काफ़ी अच्छा लग रहा है आने के बाद, क्योंकि इस रिसॉर्ट का व्यू ही सबसे बड़ा TRP है। तो ये देखिए व्यू, और वो जो आप देख रहे हैं वो है डोम स्टे। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे रूम्स हैं, ये रहा डोम स्टे। बेबी खाओ, वाह अच्छा ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी रूम से गार्डन है, स्विमिंग का जगह है, हैं जाओ स्विमिंग। तो हम लोग का चेकिंग हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे, और रूम पे जाने के लिए हम लोग बगी के सहारे जा रहे हैं। हम लोग का कार का पार्किंग इस साइड हो गया है पार्किंग एरिया पे, और इनसाइड रिसॉर्ट यहाँ बगी चलती है। तो कोई भी ज़रूरत हो आप बस कॉल कर दो, बगी आ जाएगा आपको लेने के लिए और आपको जगह तक पहुँचाने के लिए रिसॉर्ट के अंदर। तो चलिए रूम देखते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो दिखा रही है कि यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, ये स्पा है और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है। तो चलिए देखते हैं कैसा है रूम। तो चलिए रूम आ चुका है, अभी हम लोग रूम के अंदर जा रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम है। और हम लोग ने लिए थे ऑप्शन क्लिंग्स क्लिफ वाला रूम। पहले हम लोग ने सोचा था वो वुडन रूम लेंगे, फिर उसका व्यू कुछ खास नहीं लगा मुझे, जंगल व्यू था, तो इसलिए हम लोग ने ये वाला रूम लिया जिसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक यहाँ पे डोम स्टे भी है। डोम स्टे हम लोग को एक्चुअली मिला नहीं था, कुछ खाली नहीं था क्योंकि बहुत ही इमीडिएट डिसीजन हुआ था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा यूनिक वे में रहना चाहिए या एनिवर्सरी या बर्थडे जैसे मनाना चाहिए, तो आप लोग डोम स्टे में रह सकते हो। मैं आप लोग को डोम का वीडियो भी दिखाऊँगी ज़रूर जब मैं उस तरफ जाऊँगी। तो ये रहा है बालकनी हम लोग का रूम का, जो कि बहुत खूबसूरत एक व्यू दे रहा है। यहाँ पे दो बालकनी है और रूम भी काफ़ी बड़ा है। तो चलिए आपको एक रूम टूर भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा टी का आइटम है, तो चाय बिस्किट, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जूसेस है, यहाँ पे पानी का बॉटल, फिर यहाँ पे है कुछ चिप्स। और डायरेक्टली इधर जाते हैं तो इधर पहला बालकनी आता है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। हम लोग को एक्चुअली 2 बजे से पहले ही मिल चुका है, एक्चुअली 2 बजे है चेक इन टाइम। और यहाँ पे है क्लोसेट, तो ये रहा देखिए सारा बैग्स वगैरह रखा गया है, और यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं, लॉकर सब कुछ है इधर। यहाँ पे जूते वूते रख सकते हैं। और ये रहा वॉशरूम,
वॉशरूम में सब कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश वगैरह साबुन सब कुछ है, हेयर ड्रायर जो भी नीडेड है सब कुछ है। और भी आर्किटेक्चर देखिए कैसा है, पूरा टाइल्स का केरलियन स्टाइल में बनाया गया है। और ये रहा रूम, यहाँ पे डाइनिंग टेबल, ये रहा टीवी, यहाँ पे कैबिनेट, और यहाँ पे ये बेड, पूरा बिग साइज बेड है। और यहाँ पे है ये पूरा बालकनी, यहाँ पे काम चल रहा है तो इसलिए ऐसा है। और यहाँ से व्यू देखिए, ब्यूटीफुल, अभी पूरा क्लाउड हो गया है, तो पूरा क्लाउड। वेदर देखिए यहाँ का, बढ़िया सा वेदर है, पूरा मानसून आ गया है। और ये देखिए पूरा यहाँ पे क्लाउड, अभी कुछ देर पहले ही धूप था तो हम लोग सोचे थे कि आके अभी थोड़ा सा जाएंगे पूल में, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत एक्साइटेड है, लेकिन पूरा बारिश आ गया है तो अभी फिर से कल ही ट्राई करना पड़ेगा। देखिए कितना खूबसूरत है। जा रहे हैं लंच करने, तो ये नीचे ही रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट के अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा फ्रेश हो गए क्योंकि वाओ तो बारिश आ गया, सोचे थे कि जाएंगे थोड़ा स्विमिंग करने। वाओ नाइस, वेरी नाइस, तो छाता लेके आओ। तो हम लोग गए थे नीचे खाने के लिए, लेकिन बोला 30 मिनट्स टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग फिर से रूम में आ गए। और यहाँ पे चल रही है व्लॉग, और यहाँ पे बेबी थोड़ा सा रेस्ट ले रही है। और ये देखिए थोड़ा सा अभी वेदर बेटर लग रहा है, देखते हैं, प्रे करते हैं कि जल्दी बारिश ख़त्म हो जाए। और यहाँ से ये दूसरा जो बालकनी है, ये देखिए कितना बारिश हो गया यहाँ पर। दिस आर्किटेक्चर इज़ वेरी नाइस, पूरा केरलियन स्टाइल में देखिए, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए इस पेड़ में देखिए आंवला है, कितना प्यारा सा। क्या क्या आया है आज खाने में? आज ये है सूप, हॉट एंड सोर सूप है। ओके, ये यहाँ पे राइस है, राइस एक स्टीम राइस है क्या? हाँ, एक में हो नहीं हो पाएगा शायद, नहीं और एक लेना पड़ेगा। ओके ओके, बोल देते हैं अभी, बोल देते हैं फिर। रोटी दिया है उन्होंने? रोटी हाँ, ये छोटा छोटा कुछ है रोटी टाइप्स, ये रोटी। अच्छा, ये पापड़ है, इसके नीचे रोटी है। ये हाँ रोटी और पापड़, पापड़ नहीं, पापड़ है, पापड़ है और नीचे रोटी है। अच्छा, यहाँ पे है चिकन फ्राई और ये दाल, और ये चिकन, कढ़ाई चिकन, कढ़ाई चिकन। अच्छा, राइस कम है ना, एक और राइस बोलना पड़ेगा। हाँ, राइस शायद एक लगेगा। हेलो, हे, कैसा, हाउ इज द फूड? नाइस नाइस, डू यू लाइक इट? यस। ओके नाइस, हैव इट। आज टाइम हो गया लंच का, और ये रसू, चिकन फ्राई,
चिकन सूप और मैं खा रही हूँ कढ़ाई चिकन, दाल फ्राई, दही, राइस, पापड़ और यहाँ पे रोटी। कैसा है खाना? अच्छा है। टेस्ट अच्छा है? तो हमारा खाना हो चुका है और अभी हम जस्ट सोच रहे हैं कि थोड़ा निकले। अब देख सकते हैं बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे और हमारा रिसोर्ट भी बहुत बढ़िया है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। आप अगर रिसोर्ट में रह जाओगे तो भी बढ़िया से टाइम पास हो जाएगा, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट थोड़ा बहुत बाहर निकलेंगे, देखेंगे यहाँ वहाँ, बट रिसोर्ट काफ़ी बढ़िया है। और ये मेरे पीछे हमारा ये रूम है और ये देखिए बढ़िया सा क्या लैंडस्केप है यहाँ पे। नीचे ही रेस्टोरेंट वगैरह है तो खाना भी बढ़िया है यहाँ का। आप लोग जब भी आओ खाना नॉनवेज वगैरह अच्छा मिल जाता है। हमने चिकन मंगाया था, चिकन मिल गया बढ़िया सा, एंड स्टार्टर्स में भी चिकन था, चिकन सूप था, तो बढ़िया खाना है। सो गुड रिसोर्ट फॉर ए डे और टू यू गाइस कैन कम इन और यहाँ पे रह सकते हैं। तो फिर निकलते हैं कुछ देर में, हमारा 5 बजे फिर हाई टी रहेगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है ऑफ कोर्स। तो हाई टी करके देन देयर इज अ स्मॉल ट्रैकिंग 5:30 को जो हो रिसोर्ट की तरफ से लेके जाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं, अगर बारिश वारिश नहीं हुआ और बच्चे को लेके अगर जा सकते हैं तो जाएंगे। ओके तो हम लोग का हो गया है लंच और अभी बज रहा है घड़ी में 3:30 और हम लोग अभी निकल चुके हैं थोड़ा बहुत देखने कैसा है ये रिसोर्ट। तो चलिए देखते हैं। रूम से निकलते ही जस्ट थोड़ा दूर आके ही ये हाई टी एरिया है, बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ सिटिंग एरिया है और यहाँ पे एक्चुअली इवनिंग को स्नैक्स और हाई टी दिया जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जगह, यहाँ बैठने से लग रहा है एक अलग से एक सुकून मिल रहा है। ब्यूटीफुल, देखिए कितना प्यारा सा वेदर है, नो सन, पूरा क्लाउडी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं क्योंकि अभिश्वरा को जाना है चिल्ड्रंस पार्क। तो पहले चिल्ड्रंस पार्क का काम कर लेते हैं। ये देखिए माउंटेन, सो ब्यूटीफुल, वाओ। और ये हम लोग जा रहे हैं पार्क में, रोड देखिए पूरा। की
तो ये देखिए, ये है वुडन शैलट, ये एक वुडन रूम है। हम लोग पहले यही वाला ही लेने के लिए सोचे थे, फिर वो वाला ले लिए। ये वाला भी अच्छा था एक्चुअली। तो यहाँ पे ना बहुत ही यूनिक यूनिक फ्लावर्स लगाए गए हैं। देखिए इसका कलर इतना सुंदर है, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। और काफ़ी यूनिक फ्लावर्स है क्योंकि आई थिंक यहाँ का वेदर में बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स फ्लावर, और बहुत ही सुंदर है। तो हम लोग का चिल्ड्रंस पार्क हो गया। अभिश्वरा ज़रा थोड़ा सा डर गई, वो स्लाइड काफ़ी भरा है, काफ़ी हाइट पर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और एक व्यू पॉइंट पर, जो सामने जो एक सर्कल हाफ सर्कल जैसा मेरे बालकनी से जो दिख रहा है वो और एक व्यू पॉइंट है। वहाँ पे लोग जाते हैं सनसेट देखते हैं, तो हम लोग अभी उसी पे जा रहे हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी कुछ ब्रिज व्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा है। तो काफ़ी यूनिक वे से ये बनाया गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और चारों तरफ ग्रीनरी, ऊपर क्लाउड, और बीच में से हम लोग जा रहे हैं बीच के रास्ते से। और ये देखिए अभी पहुंच गए हम लोग सामने, और ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो व्यू पॉइंट है ना, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे भी बैठने की जगह है, चेस खेलने की जगह है। और ये देखिए चारों तरफ ये छोटा छोटा गंदा की फूल लगाया गया है, और पूरा क्लाउड देखिए ऊपर, जो एक अलग ही एक ब्यूटी इन्हांस कर रहा है इस जगह का। यहाँ पे आप आराम से आके रिलैक्स कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, फ़ोटो खींचिए, एक ये सेल्फी पॉइंट भी आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जगह। तो ये आप देख सकते हो ऊपर जो पहाड़ एक है, तो पहाड़ के नीचे नीचे ये पूरा रिसॉर्ट बनाया गया है। एक एक टाइप का रूम है, यहाँ पे केव रूम भी है, सबसे एक यूनिक बात है। वो हम लोग ज़रूर देखेंगे जिस दिन हम लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, और इस माउंटेन को लेके ही ये पूरा बनाया गया है। तो हो गया है हम लोग का घूमना रिसोर्ट। अभी देखते हैं, बारिश आ गया तो पता नहीं, 5:30 बजे टी टाइम। बहुत लाइट है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पीछे का विंडो भी हम लोग ने उसका कर्टिन उठा दिया है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। रूम काफ़ी बढ़िया है। ये है किंग क्लिफ्स रूम। तो अभी आ चुके हैं करीबन 5:30 बजे हाई टी करने। तो आज एज यूजल बारिश हो रही है, तो इसलिए हाई टी का पॉइंट पे आज हाई टी नहीं हुआ, ये दूसरा एक लोकेशन पे हो रहा है। और आज जैसे देखिए ये एक बैच कुछ
कटलेट है और उसके साथ एक स्वीट का कुछ आइटम है, केरलियन कुछ फेमस स्वीट है, और चाय, बिस्किट, फिर चना और डिफरेंट काइंड ऑफ चिप्स जो केरला में बहुत फेमस है वो भी है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो ये ना एक काफ़ी बढ़िया सा एक स्वीट है जिसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा था, घी से बना हुआ है। और ये देख सकते हैं ये मिलेट का एक छोटा सा रोटी टाइप का है जिसके अंदर स्वीट कोकोनट का स्टफिंग है जो गुड़ से बनाया गया है। तो हम लोग जैसे पाटी शाप्टा बनाते हैं इन बंगाली स्टाइल, तो वैसा ही कुछ एक है, लेकिन ये काफ़ी यमी है। इसका नाम तो कुछ एक डिफ़िकल्ट एक बताया था, मैं भूल गई। अगर आप लोग को पता है इसका करेक्ट नाम तो आप लोग कमेंट बॉक्स के ज़रूर बताइए। ये केरला का बहुत ही एक फेमस स्वीट है और ये हैंडक्राफ्टेड है। मिलेट है अंदर, कोकोनट है, टेस्टी है, वेरी नाइस। चार कप भी चपाते स्वीट हम लोग ऑर्डर रिपीट किए हैं, उसको इरियारा बोल रहे हैं, तो ऑथेंटिक केरलियन स्वीट। तो ये देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा इवनिंग का व्यू दिखाती हूँ। बालकनी में कितना बढ़िया सा लाइट है, देखिए पूरा जल चुका है। और ये रहा सामने का व्यू, पूरा अंधेरा हो गई है। तो मैंने एक टाइम लैप्स लिया है आप लोग के लिए दिखाने के लिए, तो वो व्लॉग में है, आप लोग देखिए। तो दिखाने के बाद ही मैं ये वीडियो भी कर रही हूँ मैं लाइट जला के। इतना प्यारा रिसॉर्ट है ना, बहुत सुंदर है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बहुत दिनों बाद ऐसे एक जगह पर आए हैं जहाँ पर बाहर निकलने की मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहे, यहीं पे इतना शांति मिल रही है ना बैठ के। और एक एक जगह इतना नीट एंड क्लीन, कहीं भी कुछ भी गंदा कुछ नहीं है, और सारे पेड़ पौधे इतना खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड। तो ये रहा डोर, देखिए प्यारा सा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और डिनर 7:30 से स्टार्ट हो चुका है, और आज इंडिया का फाइनल भी है, तो इसलिए सब लोग को कॉल कर करके बुला रहे हैं लोग, क्योंकि सब लोग गेम देखने में बिजी है। और यहाँ पे नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ का ये अभी एम्बियंस है करंटली। यहाँ पे एक लाइव म्यूज़िक भी चलता है, तो यहाँ पे गाना वाना भी होता है, कैरियोके होता है। तो चलिए देखते हैं कैसा है आज का डिनर। तो रूम के पैकेजेस में ही ये सब इंक्लूडेड है, मतलब डिनर, फिर ब्रेकफास्ट और इवनिंग का हाई टी, तो वैसे ही ये लोग पैकेज बनाया है। मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और ये देखिए मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को आज का डिनर में क्या क्या है। यहाँ पर काफ़ी सारे सलाड्स और चिप्स वगैरह है, फिर यहाँ पर पूरी रोटी, वेज एरिया है, ये पूरा वेज एरिया है, और फिर उस तरफ है नॉन वेज एरिया। तो चलिए अभी डिनर एंजॉय करते हैं, फटाफट लेते हैं कुछ।
सारे नॉन वेज, आमची फिश करी। ओके, ब्लैक टी, डेजर्ट, आइसक्रीम, केक, सुपर। अभी डिनर कर रहे हैं ना, कैसा है डिनर? अच्छा है। तुम्हारा नींद टूट गया? नींद टूट गया? अच्छा, जल्दी जल्दी खत्म करो, ठीक है? तो हम लोग का डिनर हो चुका है और खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, और यहाँ पे अंकल बहुत ही खूबसूरत गाना एक के बाद एक पेश कर रहे हैं और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया इस गाने को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बैठने की जगह है, व्यू है, और यहाँ पे बॉनफायर भी चल रही है। अगर आप लोग को एंजॉय करनी है बॉनफायर, तो इमीडिएटली वो लोग अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पूरा बॉनफायर एरिया है, देखिए पूरा ग्रुप एंजॉय कर रहे हैं। तो देखते देखते आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ वायनाड में। तो टिल देन कीप वॉचिंग माइंड बटर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून टू माइंड बटर। बाय बाय।